एम के क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो पेपर होता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ था जिसका एग्ज़ाम मैंने खुद दिया था। तो ये जो पेपर का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये बीएड सेमेस्टर कोल्हान यूनिवर्सिटी का पहला पेपर है और ये होता है टोटल 80 मार्क का और ये 3 घंटा का समय रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुप ए में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का 10 क्वेश्चन रहता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए, मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रतीक मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ आपका मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है। इसका ऑप्शन ए बी सी, मतलब 1 2 3 4 दिया हुआ, इसमें जो आपका सही होगा उसको टिक करना होगा। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं अभी कि निम्नलिखित कथन में कौन सही है। क्वेश्चन बी में लिखा है निम्नलिखित कथन में कौन सही है, 1 2 3 4, ये इसका ऑप्शन दिया हुआ, जो भी सही होगा आप उसको कर लीजिएगा। सी नंबर क्वेश्चन में देखते हैं किस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया है। ये चारों ऑप्शन में आप लोग इसका उत्तर खोज लीजिए और ये सब आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग डी नंबर क्वेश्चन में। डी नंबर लिखा हुआ है कि इनमें से कौन वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। 1 नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ये 3rd और 4th दिया हुआ। फिर इन नंबर में लिखा हुआ है कि 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के क्रम में शामिल पेशीय, सामाजिक, भावात्मक एवं संगतमक और क्या होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 इसका ऑप्शन दिया हुआ, ये इसका क्वेश्चन है, ये इसका आपका ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, इसमें जो आपका होगा वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 1 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन एक बच्चे के नैतिक मूल्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ऑप्शन ये 4 दिया हुआ है, जो होगा आप कर लीजिएगा। फिर जी नंबर में निर्देशन एक प्रक्रिया है, निर्देशन मतलब होता है गाइडेंस इज अ प्रोसेस। ठीक है, गाइडेंस क्या होता है, बच्चों को सलाह देना होता है, बच्चों को नैतिकता सिखाना होता है, बच्चों को जानकारी देना होता है, या बुद्धिमानी से चुनाव करने में बच्चों की सहायता करना होता है, जो भी होगा आप इसको कर लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। किसमें हम लोग मतलब कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, गूगल या वैनी। ठीक है, ये ऑप्शन 4 दिया हुआ है, जो होगा कर लीजिएगा। फिर आपका आता है आई नंबर, मीडिया का सिद्धांत बताता है कि संचार माध्यम मनोरंजन से बच्चों को बचने और रिलीज करने में मूल उद्देश्य को पूरा करता है। 1 2 3 4 ये क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा। ठीक है, जो भी आंसर होगा आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, जी नंबर आता है समाजीकरण है, 1 2 3 4 चार ऑप्शन दिया हुआ है, जो होगा कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में आपका क्वेश्चन 8 गो आता है, उसमें आपको 4 गो करना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 मार्क दिए जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा था 2 नंबर में शैक्षिक मनोविज्ञान के महत्व को स्पष्ट कीजिए। फिर व्यक्तिगत भिन्नता से आप क्या समझते हैं संक्षेप में लिखिए। फिर मनोविज्ञान संप्रदाय के रूप में गेस्टाल्ट सिद्धांत की व्याख्या करना है। 5 नंबर आता है बच्चों के विकास में वंशानुक्रम कितना प्रभाव डालता है स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 6 नंबर में समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग में कितनी समस्याएं होती है उसको भी लिखना है। 7 नंबर किशोर अवस्था की व्यक्ति की समस्याओं के बारे में चर्चा करना है। 8 नंबर है बच्चों के विकास के में दूर संचार माध्यम का क्या महत्व है स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसमें आपका 8 क्वेश्चन है, 8 में आपको कहीं भी कोई भी 4 क्वेश्चन है तो उत्तर देना है। ठीक है, जो आपको आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ग्रुप सी में जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें भी आपको 4 बनाना है। पहला क्वेश्चन आया हुआ तो समाजीकरण क्या है, इसमें बच्चों के विकास पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है विस्तार से बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन था ये समाजीकरण के बारे में। फिर 10 नंबर था किशोर अवस्था की विशेषताएं क्या क्या है। हाँ, ये जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर है इसमें किशोर अवस्था से
क्वेश्चन रहेगा ही हमेशा ही, ठीक है। तो इसमें आया था इस बार किशोर अवस्थाओं की विशेषताएं क्या क्या है, इनकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जा सकता है, विस्तार से लिखिए। फिर 11 नंबर आता है सोशल नेटवर्किंग वर्तमान समाज की आवश्यकता है, इसकी व्याख्या करें। फिर आता है यहाँ पे बच्चों के सभी अवस्थाओं के विकास पर संस्कृति का अमूल्य प्रभाव पड़ता है, इसका विस्तार पूर्वक चर्चा करना है। 13 नंबर में आया था बाल मनोविज्ञान के महत्व क्षेत्र को समझाइए। 14 नंबर है शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों के विकास में किस प्रकार का सहायता करता है, विस्तार पूर्वक समझाइए, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाषा बच्चों को सोचने की प्रक्रिया को बढ़ाता है, ये उनके विकास पर किस प्रकार प्रभाव डालता है, इसको भी लिखना है। फिर किशोर अवस्था की विशेषता, किशोर अवस्था से हम लोग का दो क्वेश्चन आया हुआ था, तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल MK क्लासेस जरूर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।